दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। राजीव कुमार, यूपी क्षेत्र। मेरे आज के व्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ कि हल्दी किस प्रकार से पीसती और बनती है, वो देखिएगा आपको कि किस प्रकार हल्दी का पूरी इस वीडियो में प्रोसेस दिखाया गया है, कैसे कैसे वो बनती है, पीसती है, आप देखिएगा। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों मैंने अपना घर के लिए ना हल्दी पिसवानी है, ये पिसवाई है मैंने, कि हल्दी जो है अपने सामने पिसवाई मैंने, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हल्दी ले और मैंने घर के लिए अपनी खुद की पिसवाई है, और सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करता हूँ, ये आपको बताता हूँ कि किस प्रकार हल्दी पिसती है, बनती है, और किस प्रकार से ये ओरिजिनल हल्दी निकलती है। देखिएगा दोस्तों, अभी ये हल्दी ली हमने, लेने के बाद में सफाई की है, सफाई करने के बाद में छटाई कटाई करना, ये हल्दी नीचे पड़ी है और ये अभी इसमें सफाई कर इसमें डलती है, और इसमें डलने के बाद नीचे आपको दिखाई जाती है किस प्रकार ये नीचे से अब निकलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने आपकी पट्टे वाली मशीन होती है, नीचे मोटर लगी हुई है। इधर देखिएगा, ये भैया हमारे आराम आराम से एक दो दो पीस डाल रहे हैं, देखो कैसे कैसे उंगली से आराम आराम से डाल रहे हैं, देख रहे होगे आप, एकदम तो साइन नहीं डाल सकते ना, पर ये आराम आराम से एक दो दो पीस ऐसे करके डाल रहे हैं। लगभग ये 4 से 5 kg डाल चुके हैं और नीचे तैयार होके हल्दी आपकी लगभग तैयार हो चुकी है। अब ये गल्ला पकड़ा है इन्होंने, गल्ला पकड़ने के बाद में हिलाया है। अभी ये ताऊ जी आ गए हमारे, गुप्ता जी, देखिए अब ये गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। अब ये इधर दौड़े गुप्ता जी, दौड़े हमारे, ये जो हमारे गुप्ता जी की दुकान है, 70 साल पुरानी दुकान है ये, 70 साल मायने रखते हैं दोस्तों, 70 साल से ये लगभग हमारा यही आटा चक्की का काम है कि ये हल्दी दाल वगैरह ये सब ना ये पिसाई होती है, और इतनी बेहतरीन होती है इनकी, बहुत ही बढ़िया। मैंने कि जितना कहते हैं ना कि पुराना कारीगर होगा, पुराना काम होगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का। देखो ना सफाई कैसे कर रही है, ये खुद सफाई करके डाल रहे, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं ये, और ध्यान रखते हुए तब ये पिसाई करते हैं। अब ये पीस कर तैयार हो चुके हैं, ये पीछे रख दिए हमने, और अब ये दोबारा डाली है क्योंकि कुछ और बची हुई थी, अब ये दोबारा हमने डाल दिए, यानी कि जो पीस चुकी थी उसका दोबारा से मिश्रण ये इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि अब की बार फाइनली तैयार होके निकल जाएगी, और निकलने के बाद आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये सामने देखिएगा, कट्टे में एक राउंड हमने डाल चुके हैं, और इसके बाद तैयार होने के बाद में दोबारा से अब तो किसी और की लगे हैं सामने से। अच्छा, ये लास्ट वाली किसी और की नहीं है, अपने वाली बची है दोस्तों, थोड़ी सी ये तैयार करना, इसमें अभी फाइनल हो चुका है, ये देखिएगा अब ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है और खाली घूम रही है, और ये हल्दी बिल्कुल एकदम देखो प्योर हल्दी पीले रंग की नीचे निकल चुकी है, एक पोलोथीन आगे बढ़ चुकी है, और ये इधर इसमें बची हुई वो सारी निकाल दी है। टोटली सारी निकालने के बाद अभी आपकी पैक वैक हो चुकी है, ये इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब पैक हो गई है पीले वाले कट्टे में, हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है ये, और होने के बाद में यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनती है और बहुत ही अच्छी, यानी कि आप इसकी महक आपको दूर से ही आती दिखाई देगी, और रोड से ही देखिएगा कितने प्यार से ये एक मतलब कि बुरक्की सी ये डाल रहे हैं आराम आराम से, मतलब बहुत ही प्यार से काम करते हैं ये, मतलब बहुत ही प्यार से, देखिए कितना लाजवाब तरीके से डाल रहे हैं। अब यानी कि दूसरा तीसरा राउंड है ये बिल्कुल बारीक होकर निकल जाएगी, फाइनली तैयार होकर निकल जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों ये ध्यान रखना जरूर, आपको ये वीडियो देखकर ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारा ये हल्दी का प्रोसीजर कैसा लगा आपको। अगर स्वस्थ रहना है तो हल्दी खाएँ, बिल्कुल पिसवाएँ हल्दी लेकर, और सामने आप अपने बनवा सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं, यहाँ इस जगह पर आए गुप्ता जी की दुकान पर हमारे, और जो 70 साल पुरानी दुकान है, और अभी फाइनल हो चुकी है, ये फाइनल राउंड हो चुका है लास्ट हमारा, ये तैयार किए इन्होंने, ये वेट कर चुके हैं,
वेट फाइनल हो चुका है कि जितना वेट था तो ये हो चुका है। अभी बात करें तो इनसे, ये भैया हैं सामने हमारे जिनकी शॉप है, वे इनके फादर हैं अंदर, जो 70 साल पुरानी दुकान है, जब तक ये पैदा भी नहीं होते। अभी देखिएगा कितना दुकानदारों का माल आया हुआ है कि अभी ये सब इनको पीसना है और उसके बाद तैयार करके ये सारा देंगे दोस्तों। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आइए, ये एड्रेस है सामने, मनीष आटा चक्की। और दोस्तों वीडियो को एक बार आप आखिरी कहना चाहूँगा कि दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।